बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरण के मतदान अब खत्म हो चुके हैं और तीसरे चरण का मतदान अभी होना शेष है। वह आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। जी हां, आपने सही सुना, बिल्कुल, नीतीश कुमार ने अपने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये विधानसभा का चुनाव अब उनका आखिरी चुनाव है। जी, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी है और ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। तो अब इसी कड़ी में सत्ता पक्ष और विपक्ष उनके संन्यास के ऐलान पर अपने बयान दे रहे हैं। तो इसी कड़ी में सांसद मनोज तिवारी ने भी नीतीश कुमार के संन्यास के ऐलान पर अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के संन्यास के ऐलान पर कहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है और बिहार के मतदाता नीतीश कुमार को एनडीए को समर्थन दे और उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाए। साथ ही साथ मनोज तिवारी ने कहा कि ये इतिहास में पहली बार है कि नीतीश कुमार बिहार के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी, आपको बता दें कि ये बयान खुद मनोज तिवारी ने कहा है। मनोज तिवारी ने कहा है कि नीतीश कुमार लगातार अब चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्या कुछ कहा है सांसद मनोज तिवारी ने नीतीश कुमार पर, आप सुनिए इस वीडियो में। ये बहुत बड़ा दिल है और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने कंसीड कर लिया डिफीट। सर, एक 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 सवाल मनोज तिवारी जी, एक सवाल है, एक सवाल है, एक सवाल है कि क्या कांग्रेस कह रही है कि वो हार है, इमोशनल कार्ड है भाई। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, चौथी बार, देश का एक इतिहास बनता है और उन्होंने बहुत दिल से सबसे समर्थन मांगा है और जिसको बिहार को सजाने का जो क्रेडिट जाता है उसको दिल से मांगने का भी अधिकार है।